सुप्रभात छात्रों, आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे मुद्रा परिमाण के सिद्धांत। पिछले वीडियो में मैंने आपको मुद्रा परिमाण सिद्धांतों की शुरुआत की थी और उसमें दो प्रकार के सिद्धांतों का कंपेयर मैंने आपके साथ किया, जिसमें एक थ्योरी आपको मैंने सौदा उपागम बताया, दूसरा थ्योरी आपको कैम्ब्रिज उपागम बताया। सौदा उपागम और कैम्ब्रिज उपागम में जो मेजर डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि जो सौदा उपागम और जो फिशर का उपागम बना गया है उसमें एक आगे मुद्रा एकमात्र कार्य करती है विनिमय का माध्यम, जबकि जो हमारा कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है जिसमें मार्शल, पीटू, रॉबर्टसन, कीन्स जैसे विद्वान मिलकर एक अप्रोच बना रहे हैं उसमें वे कह रहे हैं कि मुद्रा विनिमय के साथ साथ संचय का कार्य भी करती है। इसी फंक्शन को लेकर, इसी तरह के कार्यों को लेकर ये सिद्धांत जो रखते हैं। आज के हमारी विषय वस्तु मुद्रा परिमाण, मुद्रा परिमाण में हम आज आपसे बात कर रहे हैं सौदा उपागम। सौदा उपागम, सौदा उपागम ये प्रोफेसर इरविन फिशर का, इरविन फिशर ने इसकी वैज्ञानिक व्याख्या 1911 में की है। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इस परचेजिंग पावर ऑफ मनी में मुद्रा परिमाण का सौदा उपागम दृष्टिकोण उन्होंने समझा है। इससे पहले भी इस उपागम की बात की है 1752 में डेविड ह्यूम ने की है, उससे पहले 1693 में जॉन लॉक ने की है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से मुद्रा परिमाण सिद्धांत की कोई पहली बार बात कर रहा है तो वो विद्वान है इरविन फिशर, जिसने द परचेजिंग पावर ऑफ मनी नामक पुस्तक लिखकर इस सिद्धांत को समझा है। अब यहां देखिए इस सिद्धांत का जो बेस है वो पहले इसके नाम से क्लियर कर लेते हैं, इसको सौदा उपागम कहा गया है, इसे विनिमय समीकरण भी कहा गया, विनिमय समीकरण, विनिमय समीकरण। इसके साथ साथ इसको पूर्ति का परिमाण सिद्धांत भी कहा, परिमाण सिद्धांत। आप देखिए छात्रों ये क्यों कहा गया, इस पर हमें ध्यान देना है। विनिमय समीकरण किसको इसने कहा गया, क्योंकि ये मुद्रा का एकमात्र कार्य मानता है विनिमय का माध्यम। मुद्रा केवल विनिमय के काम के लिए हमारे पास उपयोग में लाई जाती है, हम उसे संचय नहीं कर सकते, इसलिए इसको विनिमय समीकरण कह दिया गया। साथ में क्या होता है कि फिशर ने अपना मुद्रा परिमाण का समीकरण दिया है उसमें मांग पक्ष को कांस्टेंट कर दिया और पूर्ति पक्ष को क्रियाशील माना है, उसने पूर्ति पक्ष की दरों में परिवर्तन करके अपने सिद्धांत को समझाया है, इसलिए उसने पूर्ति पक्ष पर ज्यादा बल दिया और ज्यादा बल देने का बन गया परिमाण का पूर्ति सिद्धांत। अब इसमें जो बात की यहां पर फिशर ने वो मुख्य रूप से मांग मुद्रा की मांग मात्रा, मांग मात्रा का जो रिलेशन है इसको डेवलप दो स्तरों के साथ किया है इसने। एक तो प्राइस लेवल है कीमत स्तर और दूसरा जो है वो है मुद्रा का मूल्य। इस चीज को लेकर उन्होंने एक संबंध बनाया इस तरह से, उन्होंने कहा कि जो क्वांटिटी है मुद्रा का उसका प्राइस लेवल के साथ रिलेशन बनेगा। यदि आप मुद्रा की मात्रा को दुगुना करते हैं तो कीमत स्तर भी दुगुना हो जाएगा, एक रिलेशन ये बनाता है, और मूल्य जो है वो आधा हो जाएगा। दूसरी बात करता है वो यदि आप मुद्रा की मात्रा को आधा करते हैं तो ये भी आधा हो जाएगा, कीमत स्तर भी आधा हो जाएगा और मूल्य क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। यदि इस बात चौगुना करते हैं तो ये भी चौगुना हो जाएगा और ये चौथाई हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको यदि आप चौथाई करते हैं ये चौथाई हो जाएगा और ये चौगुना हो जाएगा। तो इस तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में सीधा आनुपातिक संबंध है और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच में विपरीत आनुपातिक संबंध है। मतलब यदि आपने मुद्रा की मात्रा को दुगुना किया है सीधा अनुपातिक ये दुगुना हो गया कीमत स्तर के और मूल्य क्या रह गया आधा रह गया। इसी प्रकार इसको यदि आपने आधा किया है तो दूसरा आधा हो जाएगा या दुगुना हो जाएगा। यहां हमें इसी बात को प्रूव करना है समीकरण के अंतर्गत कि मुद्रा की मात्रा कीमत स्तर का रिलेशन क्या है और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य का रिलेशन क्या है। उस रिलेशन को समझने से पहले हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे सौदा उपागम सिद्धांत की मान्यता। मान्यता इस सिद्धांत की मान्यताएं देखिए छात्रों, पहली मान्यता इसके अंदर
एम वेन एम डैश का संबंध या इसको एम डैश एम टू एम डैश को इससे मानता है। एम का मतलब यहां मुद्रा की मात्रा है और एम डैश का मतलब उसने अपने स्पीकर में सात मुद्राओं में। अब इसका स्थिर से क्या मतलब है, इसका मतलब इस प्रकार से, जैसे देखिए कि यदि नॉमिनल में एम का मान 100 है, 100 रुपए है और एम डैश का मान 200 रुपए, और यदि इकोनॉमी में एम बढ़कर 200 हो जाता है तो एम डैश स्वतः ही बढ़कर कितना हो जाएगा 400। तो दोनों के बीच में जो अनुपात है वो स्थिर रहेगा। एक अनुपात दो, जब पहले 100 था तो ये 200 था, अब ये बढ़कर 200 हो गया तो कितना हो गया 400। यहां भी एक अनुपात दो है, यहां एक अनुपात दो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा और सार मुद्रा का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। दूसरी मान्यता इसमें मुद्रा का चलन वेग, मुद्रा का चलन वेग, चलन वेग को फिशर अपने समीकरण में वी से इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन या मनी। देखिए इसको मुद्रा का चलन वेग भी कहते हैं, मुद्रा का संचलन वेग भी कहते हैं, मुद्रा का आय चलन वेग भी कहते हैं। तो छात्र यहां एक बार छोटे दो नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि मुद्रा का चलन वेग क्या होता है या किसे कहते हैं, मुद्रा का संचलन वेग किसे कहते हैं। तो आपको समझना होगा मुद्रा का संचलन वेग क्या है। मुद्रा के संचलन वेग का मतलब होता है मुद्रा की एक इकाई के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कितने सौदे संपन्न किए जाते हैं, कितनी क्रय शक्ति को जन्म दिया जाता है या कितने हाथों से मुद्रा की एक इकाई गुजरती है, उसे कहा गया मुद्रा का चलन वेग। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि मैंने मेरे पास मुद्रा की एक इकाई है, उसको मैंने किसी चने बेचने वाले को दिया, उसने मुझे चना दे दिया और मैंने उसको 1 रुपए दे दिया। अब वो चना वाला है वो 1 रुपए आटे वाले को दे रहा है, उससे आटा ले रहा है, आटा वाला उसको दूध वाले को दे रहा है, दूध ले रहा है, दूध वाला उसको सब्जी वाले को दे रहा है, सब्जी ले रहा है, और वापस से वो सब्जी वाला मेरे पास आता है, मेरे से कुछ सौदा करता है, वापस से मेरे पास आ गया। इकोनॉमी में इस प्रकार से मुद्रा संचलन करती रहती है, चलन करती रहती है, सर्कुलेट। तो जितने हाथों से वो एक वित्तीय वर्ष में इकाई गुजरेगी, दूसरे के पास जाएगी, तीसरे के पास जाएगी, चौथे के पास जाएगी, जैसे एक वित्तीय वर्ष में मुद्रा की एक इकाई 6 से संपन्न होती है तो बी का मान 6 हो जाएगा। तो यहां मुद्रा का संचलन वेग जो है उसको भी अपने समीकरण में स्थिर मानता है। एक बार जो उसकी क्रय शक्ति निर्धारित हो जाती है वो उतनी ही क्रय शक्ति को जन्म देगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो बी और बी डैश साथ मुद्रा का संतुलन नहीं, ये मुद्रा का संतुलन नहीं, दोनों क्या मान लिया स्थिर मान लिया। तीसरी जो इसमें मान्यता ली है वो ली है सौदा उत्पादन, इसको स्थिर माना है। ठीक, मतलब यहां जो व्यापार है उसके अंदर परिवर्तनशीलता को स्वीकार नहीं किया गया, ट्रांजेक्शन जितने हम किए जाएंगे वो स्थिर होंगे। इसके अलावा चौथी जो इसमें मान्यता ली गई है वो ली है यह सिद्धांत दीर्घकाल से संबंधित है, दीर्घकाल से संबंधित। देखिए छात्रों, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री है वो इस बात का समर्थन करते हैं हमेशा के लिए कि कोई भी सिद्धांत बनेगा वो दीर्घकाल की अवधि के लिए बनेगा, जबकि जो नियो क्लासिकल या आधुनिक अर्थशास्त्री है वो इस बात का खंडन करते हैं कि सिद्धांत सार्थक अल्पकाल के लिए होते हैं, क्योंकि जो सिद्धांत हम बनाए हमारे लिए उपयोगी हों तो उसकी प्रासंगिकता है, उसकी सार्थकता है, और कोई सिद्धांत हम बना रहे हैं दीर्घकाल में जाकर अप्लाई हो रहा है तो उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। प्रोफेसर कीन्स को याद तक कह देता है दीर्घकाल में तो हम सब लोग मर जाते हैं, जब हम मर ही जाएंगे तो फिर वो सिद्धांत किसका होगा, इसलिए सिद्धांत का समझ लिया अल्पकाल। लेकिन फिशर ने सिद्धांत को समय में नहीं माना है दीर्घकाल। इसके अलावा पांचवी जो इसकी मान्यता है वो है मुद्रा एकमात्र कार्य करती है विनिमय का माध्यम। ये बात मैं बार बार आपको दोहरा कर रहा हूं, फिशर के समीकरण में मुद्रा का एक कार्य माना गया है, मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम बनेगी, मुद्रा केवल लेन देन को संपन्न कर सकती है, बाकी कार्य को नहीं कर सकती। तो यहां देखिए ये चार पांच मान्यता हमने की है कि मुद्रा की मात्रा और सात मुद्रा अनुपात स्थिर रहेगा, चलन वेग और सात मुद्रा का चलन वेग ये भी स्थिर रहेगा, सौदा उत्पादन को स्थिर मान लिया, ये सिद्धांत दीर्घकाल के अवधि में काम करेगा और विनिमय का माध्यम बनेगा। इसी मान्यताओं के आधार पर ये समीकरण हम स्पष्ट करेंगे।
या जो संबंध हम बात कर रहे हैं मुद्रा की मात्रा और कीमत से सीधा संबंध है और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में उल्टा संबंध है। ये संबंध तभी स्थापित हो पाएगा जब ये मान्यताएं उसमें हम फुलफिल करें। आगे हम बात करते हैं फिशर समीकरण। देखिए प्रारंभिक स्थिति में प्रोफेसर फिशर ने जो समीकरण दिया है मुद्रा परिमाण के दृष्टिकोण में वो दिया है पी बराबर एम बी अपॉन टी। पी बराबर एम बी अपॉन टी ये समीकरण फिशर ने प्रारंभिक स्थिति में दिया। अब आपको यह समझना होगा ये सिंबल फिशर ने लेने का मतलब क्या है। तो देखिए छात्र यहां पी का मतलब क्या है कीमत स्तर। पी का मतलब क्या है कीमत स्तर। एम का मतलब है मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा क्वांटिटी ऑफ मनी। और बी का मतलब है मुद्रा का संचलन वेग। संचलन वेग या चलन वेग। और टी का मतलब है सौदे या व्यापार। तो यहां इस कीमत स्तर और एम के बीच में सीधा संबंध होगा और एम और मुद्रा की जो वैल्यू है उसके बीच में उल्टा संबंध होगा। इसको अपन लेकिन आगे जाकर विषय में इसमें आंशिक कुछ कमियां रह जाती है क्योंकि आजकल की जो परिस्थितियां बदली है उसके हिसाब से साफ मुद्रा का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। आज आर्थिक क्रियाओं को साफ मुद्रा बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया है। इसलिए फिशर अपने समीकरण में संशोधन करता है और उसको सुधारता है और नया समीकरण देता है वो पी बराबर एम बी प्लस एम डैश बी डैश अपॉन टी। नया समीकरण क्या था फिशर का पी बराबर एम बी प्लस एम डैश बी डैश अपॉन टी। तो यहां देखिए वही बात आ रही है पी का मतलब कीमत स्तर है एम का मतलब मुद्रा की मात्रा है बी का मतलब मुद्रा का चलन वेग है एम डैश का मतलब साफ मुद्रा है और बी डैश का मतलब साफ मुद्रा का चलन वेग। तो कहने का मतलब यह है कि समीकरण में सिर्फ साफ मुद्रा का चलन वेग को उसने इंक्लूड किया है। अब इसी समीकरण को मैं मैथमेटिकल मेथड का उपयोग करते हुए इस प्रकार से लिख लेता हूं पी टी बराबर एम बी प्लस एम डैश बी डैश। केवल इसको तिरछा बना दिया है इस वाले पक्ष को तिरछा होगा कथम नहीं आ रही समीकरण वही है। अब इसमें दो पक्ष बन गए एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष राइट साइड ये लेफ्ट साइड। तो ये जो राइट साइड वाला वैल्यू है इसको तो फिशर ने माना है मुद्रा की पूर्ति और जो लेफ्ट साइड वाला है इसको माना है उसने मुद्रा की मांग। किसी भी स्थिति में बाजार की दिशाओं में जो संतुलन होता है वो बात मांग और पूर्ति के बराबर होने से मतलब इसको तो माना है एमडी और इसको माना है एमएस। ये दोनों जहां बराबर होंगे वहां बाजार में संतुलन होगा। अब देखिए साथियों कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है जो मैंने आपको मान्यताओं में बताया पहले भी बताया कि फिशर के समीकरण को परिमाण का पूर्ति सिद्धांत कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है कि उसने क्या किया है कि मुद्रा की जो मांग स्थिर चर है उनको पी और टी को तो स्थिर मान लिया और एम बी और एम डैश बी डैश में परिवर्तन करता है। इनमें परिवर्तन करते हुए वो अपने संबंध को स्थापित करता है इसलिए उसने इन पक्ष पर ज्यादा बल दिया है और इस पर भी दिया इसलिए इसको पूर्ति से निकल रहा है। एक बार इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से फिशर के समीकरण का पूर्ति पक्ष कौन सा है कौन कौन से पूर्ति के कारक है। आपको ध्यान रखना है पूर्ति वाले कारक है एम बी प्लस एम डैश बी डैश मांग वाले कारक कौन से हैं जो टी है। यह आपको पहचान यहां से करनी होगी। अब इसके बाद यदि हम आगे इस पर चर्चा करते हैं तो यहां हम बात कर सकते हैं सिद्धांत की व्याख्या। तो इसमें सिद्धांत की व्याख्या जो उन्होंने की है उसमें दो घटनाएं हम लेंगे। एक को लेंगे हम मुद्रा की मात्रा व कीमत स्तर। जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच प्रोफेसर फिशर सीधे संबंध को लेकर चलते हैं। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा और जब मुद्रा की मात्रा घटेगी तो कीमत स्तर भी घटेगा। जिसे उन्होंने निम्न रेखाचित्र के माध्यम से समझाया
ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर फिशर जो है वो मुद्रा की मात्रा को ले रहा है, मुद्रा की मात्रा क्यू एक्स, और वाई एक्स पर कीमत स्तर को लिया है, कीमत स्तर पी एक्स। अब देखिए यहां हम इस तरीके से लाइन लगा रहा हूं, सीधे संबंध को बताएगा कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में सीधा संबंध है। जैसे कीमत पी वन होने पर क्वांटिटी क्यू वन, अब यदि यहां से मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, ओ क्यू वन से मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो हो जाएगी क्यू टू, और मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ी है उसी अनुपात में कीमत स्तर भी बढ़ गया पी टू। इसी प्रकार से मुद्रा की मात्रा यदि बढ़ती है क्यू थ्री, ये भी बढ़ जाएगा पी थ्री। तो यहां कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा के बीच में सीधा संबंध स्थापित करता है और दोनों के बीच में आनुपातिक संबंध जनरेट होता है। कहने का मतलब मुद्रा की मात्रा बढ़ती जाएगी कीमत स्तर बढ़ जाएगा, मुद्रा की मात्रा घट जाएगी तो हम कीमत स्तर को बढ़ा, या यूं भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में यदि ये मान मात्रा है तो बढ़कर ये होने पर कीमत स्तर प्रारंभिक स्थिति में ये बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। यदि मान मात्रा घटती है कीमत स्तर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अलग अलग पॉइंट्स पर ए बी सी इस तरीके से आप उसको समझा सकते। दूसरा दूसरा रिलेशन बन रहा है वो बनता है मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा व मुद्रा के मूल्य के बीच, मुद्रा की मात्रा और मूल्य के बीच में, मुद्रा की मात्रा और मूल्य के बीच में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है, और जब दो चरों के बीच में आनुपातिक संबंध होता है तो उस प्रकार का जो मान संबंध बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, आयताकार अति परिवलय समान क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला डिमांड कर्व बनता है। तो यहां हमें जो डिमांड कर्व बनाना है वो किस प्रकार से बनाना है, एमडी देखिए इधर हम क्वांटिटी फॉर मनी ले रहे हैं और इधर हम वैल्यू ऑफ मनी ले रहे हैं। OYX पर हमने वैल्यू ऑफ मनी लिया है, एक्सिस लिया है। अब यहां ये जो संबंध बन रहा है मुद्रा की मात्रा और मूल्य के बीच में ये विपरीत अनुपात है, और ये जो बैंडी वक्र बना है इसमें ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, आयताकार अति परिवलय वक्र है, जो मैं पिछले वीडियो में भी आपको पिछली मैंने ऑफलाइन की क्लास आपको बताई थी उनमें भी मैं चर्चा करता रहता हूं आपसे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है, कि जब दो चरों के बीच में आनुपातिक परिवर्तन समान हो जाए और उससे उसके जो एरिया कैलकुलेट करेंगे हम लंबाई गुणा चौड़ाई तो समान रूप से आ जाए, समान रह के दृष्टिकोण में आ जाए तो फिर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मान वक्र बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कीमत सरकी और ये क्वांटिटी, अब मैं इसमें कीमत को कर रहा हूं आधा एक बटे दो बी, तो आनुपातिक संबंध कहता है कि जब कीमत आधी हो रही है तो क्वांटिटी, या फिर कह सकते हैं हम वैल्यू आधा कर रहे हैं तो क्वांटिटी डबल हो जाएगी टू क्यू, इधर हमने वैल्यू लिया है क्वांटिटी लिया है, तो हम वैल्यू को आधा कर रहे हैं तो क्वांटिटी डबल हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम उसको वन को लेकर आ रहे हैं वैल्यू को चार गुना हो जाएगा और क्यों हो जाएगा, तो जिस अनुपात में आप इसकी क्वांटिटी को कम करेंगे बढ़ाएंगे उसके विपरीत अनुपात में वैल्यू अपनी रिएक्शन करेगा, और इसके प्रत्येक बिंदु पर ए बी और सी पर वेलोसिटी ऑफ राइज होता है टाइम, जिस मान वक्र के सभी बिंदुओं पर वेलोसिटी लोच कीमत लोच इकाई के बराबर होता है उस प्रकार का मान वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अधिक परिवलय या आयताकार अधिक के नाम से जाना। तो यहां आज जो मैंने आपको मुद्रा परिमाण का जैसे ही बताया है इसमें मुख्य रूप से इरविन फिशर के सिद्धांत पर हमने फोकस किया है, उसने कौन कौन सी मान्यताओं को लिया है, उन मान्यताओं को क्या समीकरण दिया है, और समीकरण के माध्यम से दो प्रकार के चित्र बनाकर वो इस सिद्धांत को समझा है। अब इसमें आप न्यूमेरिकल सवाल लेकर इक्वेशन में रखकर उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।
उसके बाद हम इसकी आलोचना करेंगे और फिर हम नेक्स्ट सिद्धांत पर चलेंगे। तो आज के वीडियो में हम केवल आपको इतना ही बता रहे हैं, दोनों प्रकार के डायग्राम को आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है, बनाना है। यदि फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं अपनी समस्या को, और आप उनका अभ्यास जरूर करें। नाथुराम का क्या बुक ले लें, लक्ष्मीनारायण नाथुराम का, उससे आप सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना शुरू करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।